नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जैसा आप देख सकते हैं, हम हनुमान मंदिर के बाहर खड़े और सबसे ज़्यादा कल रांची हिंसा में अगर कुछ फेमस चीज रहा तो ये मंदिर ही रहा। देखिए, हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद है, कल क्या हुआ था आप बताइए स्पष्ट रूप से। जी, हम लोग नित्य दिन की भांति भजन अपना कर रहे थे, भजन हो रहा था। भजन होते होते रोड से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जिसको हम लोग देखने के लिए निकले तो देखे कि दूसरे समुदाय के लोग काफ़ी संख्या में मंदिर की ओर आ रहे थे। कुछ प्रशासन लोग हमारे थे जो उस भीड़ को वहीं बैरिकेड के पास रोकना चाह रहे थे। उन लोगों ने रोकना शुरू नहीं, रोकने जैसे जा रहे थे तो प्रशासन पर इन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। फिर 10 मिनट के बाद अचानक भीड़ को खदेड़ के उधर किया जाता है और फिर अचानक 10 मिनट के अंदर में 5-10 हज़ार की संख्या में लोग आए और इस मंदिर को ही इन लोगों ने टारगेट बनाया और चारों तरफ से मंदिर को घेर करके मंदिर पर पथराव शुरू कर दिया है। आप देखेंगे मंदिर के ऊपर में जा करके राम दरबार का शीशा टूटा हुआ है। घंटे हाँ जी, आइए हम दिखाएंगे कि मंदिर का क्या हालत हुआ है। पुजारी जी हमें खुद ले जाके दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, रांची का ये सबसे फेमस मंदिर है हनुमान मंदिर, जो कि मेन रोड में स्थित है और कहीं ना कहीं मेन रोड का शान भी कहा जाता है। आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं खास तौर पर आप पूरा कांच टूटा हुआ है, वहां पे साफ तौर पर देख सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं कितना कांच है, पैर में लगेगा कांच, पूरा कांच है ये, आप देख सकते हैं। बहुत मुश्किल है हमारे लिए भी रिपोर्टिंग करना। कांच है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से कल पथराव हुआ है, पूरा मंदिर ऐसा लग रहा है जैसे मलबा में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं पूरा कांच को तोड़ा गया, पत्थरबाजी जो पत्थरबाजी हुई, ऐसा लग रहा है कि मंदिर को तोड़ने के लिए ही पत्थर लाया गया था। पूरा चकनाचूर जो भी आप देख रहे हैं, आप पूरा ग्राउंड जीरो से आप लाइव रिपोर्ट देख रहे हैं। सारे सामान इधर उधर सारे बिखरे पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये पत्थर आप देखिए, ये पत्थर आप साफ देखिए, इस तरीके का पत्थर जरा देखिए, इस अगर ये किसी के माथे पर पड़ता है क्या उसका होगा, सारा माथा चकनाचूर हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, मरने का कगार पे आ सकता है। ऐसे पत्थर, ऐसा लग रहा है जैसे कि जी हाँ, ऐसा लग रहा है मानो इन पत्थरों को, स्पेशली मारने वाला पत्थर है ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। हमें खुद बहुत संभल कर रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है। ये देखिए, हम आपको एक और दिखाते हैं। यहाँ पर भगवान का जो मेन द्वार कहा जाता है, मेन शीशा है, उस पर भी पत्थरबाजी हुई है। यानी टारगेट जो है कहीं ना कहीं, ये मंदिर के घंटा को देखिए, अंदर से मैं चाहूँगी अंदर से अपने कैमरामैन को यहाँ पर दिखाया। टूट गया यहाँ पर, ये टूटा हुआ है, ये स्क्रैच आप देख सकते हैं साफ तौर पर, मंदिर का घंटा टूटा हुआ है। ये पत्थर बड़े बड़े सारे, उसके बाद ये पत्थर देखिए, ये इस लेवल का पत्थर, सुनने में तो लगता है पत्थरबाजी हुई है तो कोई छोटा पत्थर होगा। ये बरामदा छत पर देखिए, यहाँ पे पत्थर, ईंटा, लोहे के टुकड़े सब। ये देखिए, हम आपको ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं चप्पल भी फेंका गया। हाँ, चप्पल भी फेंका गया, जी हाँ, मंदिर पे चप्पल फेंका गया। सबसे बड़ी बात है कि बयान कौन दिया और मंदिर को टारगेट बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मंदिर को टारगेट आखिर क्यों बनाया जा रहा है, और इससे भी बड़ा सवाल प्रशासन पे आके खड़ा हो जाता है कि आप आरती जब होता है तो अब आप कहते हैं, आरती के समय आप कहते हैं कि तुरंत 2 मिनट में आप आरती बंद कर लीजिए, आरती मत कीजिए। हिंदू को आरती करने के लिए मना किया जाता है, क्या था आरती के समय, क्या था बताइए जी। जब आरती होने के लिए कुछ लोग बैठे हुए थे जी, कुछ लोग बैठे हुए थे आरती के लिए कि आरती हो जाएगी तब हम लोग जाएंगे, लेकिन प्रशासन लोग कहे कि आप लोग जाइए, आरती 2-4 आदमी मिल करके कर लेंगे। यही सब बातचीत हो रही थी, लोगों को हटाया जा रहा था। जब हिंदू का बारी आया तो आरती 2-4 लोग, लेकिन जब मुस्लिम 5-10 हज़ार में आप कह रहे हैं, उस समय कहाँ थी प्रशासन जी, पता नहीं। और ये मंदिर को ही लोग टारगेट क्यों बनाते हैं, अगर बंद, भारत बंद का समर्थन के लिए इन्होंने निकला था तो हमारे प्रशासन इनके साथ में होते, हमारी जनता भी इन लोगों के साथ में होती है, लेकिन इतने के बावजूद भी जब भारत बंद करने था तो ये शांति ढंग से करती, ये अचानक इतना पत्थर मेन रोड में कहाँ से आ गया, ये कंकड़ी मिट्टी वाला तो सड़क है नहीं, काली सड़क है, ये काली सड़क में इतने बड़े बड़े बोल्डर पत्थर सारे क्यों आए, तो ये हमें लगता है कि जब ऐसा आप लोगों के हो रहा था, आप लोग उस समय कहाँ थे और हम लोग प्रेजेंट मंदिर में ही थे, हम लोग का भजन कीर्तन चल रहा था, 2-2.5 बजे तक भजन चल रहा था, इसी क्रम में आवाज़ें आई बाहर से। जब हम लोग मंदिर परिसर से बाहर की ओर देख रहे थे सड़क में, तो
दूसरे समुदाय के लोग मंदिर की ओर आ रहे थे, मंदिर की ओर आ रहे थे तो कुछ प्रशासन की संख्या कुछ कम थी, प्रशासन लोगों को रोकने का कोशिश किया तो उन लोगों के ऊपर में भी पथराव शुरू कर दिया। पथराव शुरू होने के बाद फिर फोर्स भी पीछे भागी। ये करते करते 10 मिनट के अंदर में 5-10 हज़ार की संख्या में मंदिर की चारों ओर से इन लोग मिल गए। और पत्थरबाजी मंदिर को क्यों किया, जब बंद करने आए थे तो ये मंदिर पर पत्थर क्यों किया? पहले से कहीं निशाना था मंदिर पर? जी, हमें लगता है ये सोची समझी तहत के ताकत है। और ये झारखंड की प्रसिद्ध मंदिर हनुमान मंदिर है। आज तक जितने भी दंगे हुए ये मंदिर पर नहीं हुआ था, ये पहली बार ऐसी घटना है कि जो संकट मोचन मंदिर को टारगेट बनाया। बगल में काली मंदिर है उसको भी टारगेट बनाया, गोली उली भी वहाँ पर लोग चलाए हैं, जो कि कुछ गोली फंसे हुए हैं काली मंदिर के दरवाजे पर। और ये संकट मोचन मंदिर को तो चारों तरफ से आप जैसे कि देख रहे होंगे ये सारा सामान बिखरा होगा, बहुत सारा सामान को प्रशासन ने रात में सफाई भी किया है, बहुत बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पे पड़े हुए। आपका नाराजगी किससे, प्रशासन पुलिस बल से या ऊपर से हाथ बंधे हुए थे, किस पे संदेह आपको? रोका जा सकता था इसको? रोका जा सकता था, जब मालूम था कि आज जुलूस निकलना था तो बैरिकेडिंग हर जगह पे होनी चाहिए थे। ये नहीं दिखा, जिस तरह से बंद में फोर्स का तैनाती होना चाहिए था जगह जगह पे, वो नहीं था। मात्र 40-50 फोर्स हमारे थे और उन लोगों के संख्या में रोक पाना बड़ा मुश्किल लग रहा था। जो सह दिया गया है, कहीं ना कहीं सह दिया गया है, तो ये पॉलिटिक्स खेला जा रहा है? जी जी, इसको कहा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो सरकार का खुफिया विभाग फेल है। और ये मंदिर को क्यों टारगेट बनाया जाता है, जब भी कुछ होता है तो ये हिंदू मुस्लिम की जब भी बात आती है तो धार्मिक स्थल को इन लोग टारगेट क्यों बनाए? तो कभी मस्जिद को टारगेट नहीं बनाया? जी, हम लोगों ने कभी नहीं किया। उन लोगों के साथ में हम लोग साथ खड़ा भी होते हैं। ये इतिहास और ये लोग साक्षी हैं इस बात के कि हमारे हिंदू समाज पहले किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करना चाहते, शांति ढंग से ही काम करना चाहते हैं। और लेकिन ये लोग शांति काम में भी ये लोग रोड़े पत्थर लेकर के आ जाते हैं, तो ये कुछ ना कुछ तो इन लोगों के मन में मनसूबा टारगेट रहता ही है। ठीक है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हम भी तो पुजारी हैं मगर अच्छी कर रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं वो हम भी बोलेंगे। तो आपने साफ तौर पर कहा कि जो पुजारी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हाँ, तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे विंडो साइड खड़े हैं और मंदिर के पीछे मैं चाहूँगी कैमरामैन को दिखाने, स्कूटी जलाया गया है, यहीं पे ठेला भर भर के पत्थर रखा हुआ था। जी हाँ, पहले से पूरा प्रिपेयर था, सुबह से पूरा ढेला पत्थर यहाँ पे सजाया गया था, रखा हुआ था कि जब जुम्मे का नमाज खत्म होगा तो हम यहाँ से ढेला लेकर बाहर आएंगे। चीटिंग आप देख सकते हैं, कालिकपुरा है वहाँ पे जलाने का काम किया गया है। यानी मंदिर को चारों तरफ, यानी मंदिर को घेर लिया गया, मंदिर को टारगेट बनाया गया। ये बेहद शर्म की बात है, बेहद सोचने वाली बात है कि हम मंदिर बीच में हनुमान जी कहाँ से आ गए, बीच में काली माता कहाँ से आ गई। नूपुर शर्मा का बयान है, नूपुर शर्मा का बयान है, पूरे इंडिया में हंगामा। चले ठीक है, हिंसा आपको उनके बयान से ऐतराज है, लेकिन हनुमान जी काली जी बीच में कहाँ से है? आज तक कभी देखा है मस्जिद को टारगेट बनाते हुए? जब मस्जिद को टारगेट नहीं बनाया जाता है तो फिर धर्म को बीच में क्यों ला रहे हैं? मंदिर को बीच में लाने का क्या मतलब है? अगर आपने घेरा भी तो ये जितना आपने हम आपको विजुअल दिखाया है, ये सब हिंसा का जो नतीजा है ये शर्मसार तो है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी गलती है। लेकिन हम आपको बता दें ये सारे विजुअल जो है आपको इंटरनेट, मैं आपको बता दूं अभी इंटरनेट सेवा, जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये विजुअल कर रहे हैं लाइव, इंटरनेट सेवा पूरे रांची में बंद है। जी हाँ, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीसी ने बंद किया हुआ है, इसलिए ये विजुअल हम आपको तुरंत नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जैसे नेट आएगा सबसे पहले जीएन भारत आपको सारे एक्सक्लूसिव विजुअल दिखाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा संयम रखें, सारे विजुअल सिलसिलेदार तरीके से आपके पास आएगा। हम आपको इसके बाद काली मंदिर का आपको विजुअल दिखाएंगे, देखिएगा किस तरीके से गोली जो है अभी तक काली मंदिर के गेट पे अटका हुआ है। हम आपको सारे लाइव रिपोर्ट दिखाएंगे, बने रहे आप जीएन भारत के साथ। तो जैसा हमने अभी आपको हनुमान मंदिर का सिचुएशन दिखाया कितना भयावह था, अब हम मौजूद है काली मंदिर के पास। जी हाँ, काली मंदिर का नज़ारा देख लीजिए, रोड में मलबा की तरह तब्दील हो चुका है काली मंदिर, लग ही नहीं रहा ये मंदिर है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बाढ़ आने के बाद वो मलबा होता वो है। अब हम आपको एक चीज़ और दिखाएंगे जो आप वाकई में देखकर आपका दिल दहल उठेगा कि मंदिर के ऊपर कैसा हमला हुआ है। आप ये गोली का निशान देखिए, पहले ये गोली अटका हुआ है। जी हाँ, ये गोली है, ये गोल जो आप देख रहे हैं ये गोली है, गोली यहाँ, और गोली की इंटेंसिटी जरा देखिए, इंटेंसिटी इतना मजबूत था कि यहाँ से निकल गया है, यहाँ पे भी छेद हो गया। यानी लोहे का जो ये है, लोहे का जो इतना स्ट्रांग होता है, इसको भी चीर कर निकल जाए तो ये इंसान का अगर सीना में लगे तो क्या होगा, आप इस बात को देख सकते हैं। मैं देखूंगी, यहाँ पे बगल में सारे दुकान भी बंद है। जी हाँ, लोग जो भी है वो डरे सहमे हैं, मीडिया से बात करने के लिए भी कोई भी रेडी नहीं है। पूरा जो दिन में पूरा खचाखच भरे रहता था, आज देख रहे पूरा सुनसान है, एक परिंदा पर भी यहाँ नहीं मारा। मैं चाहूंगी कि थोड़ा काली मंदिर पास हमारे कैमरामैन है, दुकान खोलने से लोग डर रहे, देख लीजिए क्या शटर यहाँ पे आधा ही खुला हुआ है। प्रशासन की सख्त ये है कि दुकान नहीं खुलेगा, बहुत भयानक कर्फ्यू है, 144 धारा लागू है।
मैं चाहूँगी यहाँ मंदिर का आप नज़ारा देखिए। इसी मंदिर पर हमला हुआ है, ये काली मंदिर है, मेन रोड का बहुत ही फेमस मंदिर है। और यहाँ पर जरा ये देखिए, आप इस सीन को देखिए, मलबा में तब्दील है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे चेयर टेबल, यहाँ पे जो भी मालाकार जो माला बेचते थे, नारियल देखिए, सारे नारियल नीचे। आप बताइए, नारियल बेचने वाले बहुत छोटे व्यापारी होते हैं, बहुत छोटे लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, जो एक नारियल बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, फूल बेचकर, माला बेचकर, एक एक माला, गेंदा फूल के एक एक माला बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। उनको तोड़कर क्या मिलेगा भाई? आप छोटे मालाकार को, जो छोटे छोटे दुकान लगाते हैं, अगर उनको अगर इस तरीके से आप प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे, तो फिर आप सरकार किस चीज़ का, सरकार का फिर काम क्या है? जब पूरा तहलका मच जाता है तो आप इंटरनेट बंद कर देते हैं। अब इंटरनेट बंद करने से क्या फ़ायदा? क्योंकि अब चीज़ों को इतना हरकत में जो आ रही है, अब इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब प्रशासन को चाहिए अब सतर्क हो जाए। इस अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस घटना से आरोपियों को सजा दीजिए, जो देना है दीजिए, लेकिन अगली बार के लिए मीटिंग होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए, प्रशासन को मिलना चाहिए, बैठना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए किस तरह की गतिविधि को आगे कैसे रोकें, और ये चीज़ दोबारा ना हो तो ही बेहतर है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।